सुजानगढ़ पंचायत समिति में चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान विधायक मनोज मेघवाल, सभापति नीलोफर गौरी, पंचायत समिति प्रधान मनभरी देवी मेघवाल भी मौजूद रहे। वहीं जिला कलेक्टर ने मरीजों की पर्ची में नॉन जेनरिक दवाई लिखने वाले चिकित्सक को नोटिस जारी करने के निर्देश PMO डॉक्टर सुरेश कालानी को दिए। बैठक में विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में ठेकेदार प्लास्टर उखाड़ कर चला गया है, न तो प्लास्टर कर रहा और न ही मलबा उठाया जा रहा है, जिस पर जिला कलेक्टर ने संबंधित ठेकेदार को नोटिस देने की बात कही। इसी प्रकार विधायक ने गांव चारिया मलतीसर मुर्डाकिया में पेयजल की समस्या के बारे में विशेष चर्चा की, जिस पर जलदाय विभाग के एक्सीएन रामावतार सिन्हा ने कहा कि टंकी तक पाइपलाइन डाली गई है। विधायक ने कहा कि चारिया गाँव में LNT आपनी योजना और जल जीवन मिशन के अधिकारियों के साथ उपखंड अधिकारी बैठक लेकर समस्या के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था करें। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में नरेगा के तहत होने वाले कार्यों के बारे में जानकारी भी दी गई। वहीं वंचित बस्तियों के बारे में कांग्रेस के जिला सचिव मोहम्मद इदरीस कोहली ने कहा कि सीवरेज लाइन के साथ ही वहां पर पाइपलाइन भी पानी की डलवाई जाए, जिस पर विधायक ने कहा कि सीवरेज का काम काफ़ी धीमी गति से होता है जबकि पाइपलाइन का काम काफ़ी तेज गति से होता है। वहीं आगामी दिनों में पेयजल किल्लत के मद्देनज़र वह नहर के मेंटेनेंस के चलते लाडलू के कुओं से भी पानी की सप्लाई पानी में मिक्स करके देने पर चर्चा की गई। वहीं आपनी योजना के एक्सीएन के बैठक में नहीं आने पर जिला कलेक्टर और विधायक दोनों ने नाराजगी जाहिर की। बैठक की कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका स्कूल में पानी नहीं आने का मुद्दा उपखंड अधिकारी मूल सिंह ने उठाया, जिस पर समस्या समाधान करने के लिए एक्सीएन को निर्देशित किया गया। इसी प्रकार उप तहसील भवन कात्र के लिए एक भी किस्त रुपयों की नहीं आने की बात भी विधायक ने रखी। जिला कलेक्टर ने बैठक में कहा कि जहां कहीं भी पानी की किल्लत की गुंजाइश है वहां पर पहले से ही सारे बंदोबस्त कर लिए जाएं ताकि जनता को परेशान न होना पड़े। वहीं जनसुनवाई के दौरान सालासर रोड के निवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और बताया कि पूरी बसें बस स्टैंड पर नहीं पहुँचती हैं, जिस पर नए बस स्टैंड का सख्ती से संचालन करने के निर्देश उपखंड अधिकारी को जिला कलेक्टर ने दिए। बैठक में पार्षद मनोज पारीख, पार्षद हरिओम खोड, नरेंद्र गुज्जर, अमित मोसोड़ आदि ने बताया कि सरकारी अस्पताल में नॉन जेनरिक दवाएं मरीजों की पर्ची पर लिखी जा रही हैं और मरीजों पर बिना वजह आर्थिक भार पड़ रहा है, जिस पर PMO डॉक्टर सुरेश कालानी से जिला कलेक्टर ने संबंधित चिकित्सक को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार आम मरीजों की सोनोग्राफी नहीं होने के बारे में जिला कलेक्टर को करवाया गया, जिस पर जल्द समाधान के लिए जिला कलेक्टर द्वारा आश्वासन दिया गया। अस्पताल में लपकों का प्रकरण भी आने पर जिला कलेक्टर ने लपकों के नाम तक पूछे। दूसरी ओर राहुल सामरिया ने फर्जी पट्टे बनाने के प्रयास का प्रकरण उठाया। वहीं पार्षद हरिओम कौर ने कहा स्कूल नंबर 2 में 3 साइड में 4 दीवारी नहीं है, 3 साइड में बाढ़ है जहां पर पक्की दीवार का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है, जिस पर आयुक्त से बात करके समस्या समाधान का आश्वासन जिला कलेक्टर ने दिया। पार्षद हरिओम कौर ने कहा कि 3 दिनों में एक बार पानी दिया जाता है लेकिन आगे से एक दिन बाद आने पर सप्लाई 8-10 दिन पर चली जाती है, जिस पर अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया। इस पर जिला कलेक्टर ने एक अधिकारी को मौके पर ही भेज दिया और कहा कि मोहल्ले में जाकर देखो कि 8 दिन बाद सप्लाई आने के बाद आखिर कारण क्या रहे हैं। इसी प्रकार भाजपा नेता महेश जोशी ने भी अवैध कॉलोनाइजर्स पर कार्रवाई करने की मांग रखी और अस्पताल से पहले वनवे लागू किए जाने की बात कही। बैठक में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप तोदी, देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र केलका, कांग्रेस नेता बजरंग सेन, ADM आगरे साह, उपखंड अधिकारी मूलचंद लोनिया, DSP राम प्रताप बिश्नोई, तहसीलदार प्रवीण कुमार, विकास अधिकारी शिव कुमार, जलदाय विभाग के एक्सीएन राम अवतार सैनी, विद्युत निगम के एक्सीएन धीराचंद शिवराण, सहायक अभियंता विश्वम्भर पुरोहित, पशु चिकित्सक लालचंद शर्मा, PMO डॉक्टर सुरेश कालानी, आयुक्त कमलेश कुमार मीणा, गौरव नाई, कृषि मंडी सचिव सुनील कादरी, समाज कल्याण अधिकारी बाबूलाल, CDPO गौरव चौधरी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के आशाराम अरुपाल सहित अनेक अधिकारीगण मौजूद रहे। इससे पहले जिला कलेक्टर ने भोजलाई चौराहे पर संचालित इंदिरा रसोई का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आज ब्लॉक स्तरीय यहाँ पर बैठक ली गई है और उसमें जो परिवादी आए हुए थे उनके परिवादों के संबंध में चर्चा की गई है। आज बैठक में MLA साहब, चेयरमैन साहब, प्रधान और बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे चर्चा करके जो बजट घोषणाएं सुजानगढ़ के संबंध में की गई हैं उनका क्रियान्वयन तथा आगामी नहरबंदी के संबंध में भी चर्चा की गई है। कोशिश करेंगे जो क्रियान्वयन या जो अन्य समस्याएं हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करें। हॉस्पिटल का मसला आया है, निर्माण का भी है, बस स्टैंड का भी है, क्या कहते हैं? हॉस्पिटल का मसला आया है कि कोई नॉन जेनरिक दवाएं लिखने का, उसमें PMO साहब ने उसका अध्ययन कर लिया है और वो संबंधित चिकित्सक से स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे
और अवैध निर्माण की विरुद्ध कार्रवाई सतत प्रक्रिया है, उसके संबंध में कार्रवाई जहां जहां पे भी आवश्यक होगी की जाएगी। बस स्टैंड के लिए स्वीकृति प्राप्त करके उसको शिफ्टिंग का काम किया जो दानदाता के द्वारा बस स्टैंड रूप में बनाया गया था, अब उसमें सीओ साहब के द्वारा सतत निगरानी रखते हुए कोशिश की जाएगी कि यदि कोई स्पेसिफिक शिकायत प्राप्त होती है कि कहीं पर जो बस वहां रुकनी चाहिए वो नहीं रुक पा रही, अभी भी पुराने बस स्टैंड पर पूर्ववत उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वी विल टेक रेमेडियल एक्शन। सुजानगढ़ की कृषि उपज मंडी के पीछे गणपति बाप्पा सेवा यतन ट्रस्ट के द्वारा बनने जा रहे गणेश मंदिर की गुरुवार को आधारशिला रखी गई है। पंडित माणिक चंद शास्त्री ने विधि विधान पूर्वक पूजा संपन्न करवाई, जिसमें विद्याधर पारिक, एडवोकेट भंवर लाल शर्मा, मांगीलाल प्रजापत, सूरतगढ़ नायब तहसीलदार तेजपाल पारिक, सवाई सिंह राठौड़, काड़ू बागड़ी जगदीश स्वामी, आयदान सिंह ने सपत्नी पूजा में भाग लिया। राम गोपाल चाहर ने आधारशिला रखी। विद्याधर पारिक ने बताया कि मंदिर के लिए बामा शाह मदन मोहन काशवाल ने जमीन प्रदान की है, जिस पर भगवान गणेश के भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। पारिक ने बताया कि ट्रस्ट में प्रभात पिंचा, पवन सोनी, गजराज जैन सड़वाला, भवनलाल माटोलिया सहित कुल अब तक 15 ट्रस्टी हो चुके हैं, जबकि 6 और गोल्डन ट्रस्टी जोड़े जाने का उनका लक्ष्य है। पूजा कार्यक्रम में वेद्य भवनलाल शर्मा, भवनलाल चोटिया, नानूराम प्रजापत, मधुसूदन शर्मा, इंद्रचंद प्रजापत, विश्वदीपक काचवाल, रतन चोटिया सहित अनेक लोग मौजूद रहे। ये गणेश जी महाराज का गोपाल बाड़ी में एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिस जमीन के लिए 147 बाई 60 फीट की जमीन माननीय मदन मोहन जी ने दी है। ये बांडियाबास के रहने वाले हैं और इन्होंने खरीद करके ये जमीन दी है। अभी इस जमीन के एस्टिमेट भाव अगर माने तो 2000 रुपये प्रति गज से ऊपर है और इन्होंने दी है। इस मंदिर के निर्माण के लिए इस पूरे मोहल्ले और पूरे गांव को हम चाहते हैं कि सदस्य बने। सदस्यता फीस हमने 5100 रुपये, 5100 रुपये रखी है। बाकी गोल्डन ट्रस्टी बना रहे हैं, अभी हमारे पास में करीब 15 गोल्डन ट्रस्टी बने हैं जो 1 लाख और उससे ऊपर की राशि देंगे, जिसमें हितेश ज्वेलर से पवन सोनी है, रामतवर जी जोड़ा है, प्रभात जी पींचा है, गजराज जी जैन है सड़ूवाला, और मनीष तूनवाल, वीनस चप्पन वाले हैं, वकील हैं, ये स्वाई सिंह जी हैं, ये हमारे काड़ू जी बागड़ी हैं, ये विकास जी ढाका और मांगीलाल जी प्रजापत ढाका ब्रदर्स मंडी में जिनकी दुकान है। इस प्रकार से हमारे पास में 15 सदस्य वर्तमान में हैं। हम चाह रहे हैं कि कम से कम 6 सदस्य और बन जाएं, तो 21 सदस्य बन जाएं, तो हमें जगह जगह रसीद लेके नहीं फिरना पड़े। और इस मंदिर के लिए अभी जो ट्रस्टी हैं उन्होंने ये तय किया है कि 30 बाई 41 फुट में ये मंदिर का निर्माण होगा, जिसमें 10 बाई 10 फुट का गर्भगृह होगा और इसकी हाइट होगी 12.5 फुट। इसके ऊपर शिखर जो बनेगा वो 27 फुट का शिखर बनेगा। भव्य मंदिर आप और गणेश जी महाराज की कृपा से ये बन जाए, इस मोहल्ले में मंदिर की अति आवश्यकता थी। साथ में सभी ट्रस्टियों ने ये निर्णय किया है कि शिव परिवार भी इस मंदिर में हो, ताकि शिव जी की आराधना होने से सबस्त कष्टों का हरण हो। सुजानगढ़ के घंटाघर चौक पर नई सड़क निर्माण के लिए पुरानी सड़क को उखाड़ने के दौरान ठेकेदार के मजदूरों की लापरवाही के चलते दुकानों के आगे रखे पत्थर के चौके टूटने से व्यापारियों में रोष व्याप्त हो गया। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर विरोध जताया। बंद की सूचना पर किराना मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन महेश्वरी घंटाघर पहुंचे और व्यापारियों की समस्याएं सुनी तथा PWD व नगर परिषद के अधिकारियों से वार्ता कर समस्या की जानकारी, जिस पर नगर परिषद के सहायक अभियंता विक्रम जोरवाल, सफाई निरीक्षक ओम प्रकाश स्वामी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उसके बाद सड़क पर पड़े मलबे को हटाया गया, जिससे जमा पानी नाली के माध्यम से आगे चला गया और कुछ ही देर सड़क से गंदे पानी की निकासी हो गई। ठेकेदार राम नारायण सारण ने घंटाघर पहुंचकर शीघ्र ही व्यापारियों को समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान किशन मोचीवाला, हरि प्रसाद मोदी, संतोष पंसारी, रमेश जाट, अनिल माटोलिया, प्रमोद पंसारी, राजकुमार भट्टिया सहित अनेक व्यापारी उपस्थित थे। वहीं कोतवाली थाने के SI तेजाराम भी मौके पर पहुंचे और व्यापारियों से समझाइश की। रात को आकर के इनको जो सड़क होती है उसमें कातले टूट गए, उसकी वजह से व्यापारियों में आक्रोश है। जब PWD को
फोन करते हैं तो सफाई के लिए कह रहे हैं कि नगर पालिका की एजेंसी है, नगर पालिका को कहो, और नगर पालिका को कहते हैं तो पीडब्ल्यूडी को कहो। व्यापारी दो जो एजेंसी हैं उसके बीच में फंस गए और आने जाने राहगीरों के परेशानी हो रही है और यहाँ बहुत बड़ी संकट है। ना तो रास्ता जाम है, ना तो व्यापारी व्यापार कर सकता है, और पूरा रास्ता राहगीर भी आम पैदल यात्री नहीं निकल सकता, पानी भरा हुआ है। इसको लेकर के आक्रोश है व्यापारियों में। सुजानगढ़ के गांधी चौक स्थित सभा मंच पर होली स्नेह मिलन व सुजला जिला संकल्प प्रोग्राम का आयोजन किया गया। विजयपाल चौरान ने बताया कि सुजला जिला बनाना ही होगा सत्याग्रह आंदोलन के तहत होली स्नेह मिलन व सुजला जिला निर्माण संकल्प कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें संयोजक श्री राम भामा, पथिक सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोषवाल, रण सिंह चौरान, राम कृष्ण श्योता के सानिध्य में मौज मस्ती जोश के साथ माहौल में उत्साहजनक आयोजन हुआ। किशोरदास स्वामी ने विभिन्न संगठनों व लोगों द्वारा 7 दशक से जारी सुजला अंचल के जिला बनाओ प्रयास पर प्रकाश डाला। वहीं एडवोकेट तिलोक चंद मेघवाल ने नारेबाजी करवाई और जिला बनाने की मांग को बुलंद किया। धनराज आर्य ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जिला बनाने की मांग को लेकर चुटकी ली। वहीं सुरेंद्र भार्गव ने कहा कि हम जिंदा है तो हमें जिंदा नजर आना काफी जरूरी है। कार्यक्रम में राजू सिंह भाटी, देवाराम माड़ी, भवनलाल गिलान, दीपाराम सांडेला, अशावीर खान, महेश माड़ी, भवानी शंकर, पवन भोजक, युवा नेता अजमल खां, पार्षद मोहनलाल मेघवाल, विनोद कुमार खटीक, रतनलाल प्रजापत, संदीप कुमार सैनी, संजय पाल चौरान सहित अनेक लोगों ने भाग लिया। ये लाखों लोगों के हक और अधिकार का सत्याग्रह है सुजला जिला निर्माण का। पिछले 70 साल से यह आंदोलन चल रहा है। विभिन्न संगठन सब लोग इस बात के समर्थन में कि जिला बने, तो हमारी अपील है इसी को लेकर के होली स्नेह मिलन समारोह और सुजला निर्माण संकल्प कार्यक्रम आयोजित हुआ कि सरकार जल्द से जल्द सुजला जिला बनाए। इंटरनेशनल वुमेन्स डे और फुल फेस्टिवल राष्ट्रमाता पन्नाधाई बर्थ सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय गांधी चौक सभा मंच पर किया गया, जिसमें सुजला क्षेत्र को जिला बनाने का संकल्प लिया गया। इस उपलक्ष्य में सुजानगढ़ क्षेत्र के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, सर्व समाज के जागरूक बंधु व सुजला महासत्याग्रह टीम के साथी श्री रामजी भामा, विजयपाल जी शोराण, महावीर जी पोसवाल, रण सिंह जी, मास्टर जी, रामा किशन जी, श्वेता साहब, अजमल खान आदि लोगों ने आगे बढ़कर भूमिका अदा की। बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने सुजला जिला बनाने को लेकर संकल्प लिया कि जब तक हमारे क्षेत्र को जिला नहीं बनाया जाता तब तक हम संघर्ष को जारी रखेंगे और सुजला जिला बनाने की मुहिम को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। होली का राम राम।